अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मेरा नाम है अदलमान सुमरो और आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाँ, मेटर बोलते हैं इसको पढ़ने से पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि मेटर जो होता है उसके पास तीन चीज़ें होती हैं कंपोजिशन स्ट्रक्चर और स्टेट कंपोजिशन देने वाले जो पार्टिकल होते हैं वो एटम होते हैं स्ट्रक्चर देने वाला जो फोर्स होता है वो केमिकल बॉन्ड होता है उसके अलावा जो स्टेट देने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो कौन होते हैं मॉलिक्यूल और फोर्स कौन होता है फिजिकल बॉन्ड होता है ये तीन चीज़ें होते हैं मेटर के पास कंपोजिशन स्ट्रक्चर और स्टेट उन उस कंपोजिशन को देने वाला पार्टिकल एटम स्टेट स्ट्रक्चर को देने वाला फोर्स कौन होता है केमिकल बॉन्ड और उसके स्टेट को देने वाले पार्टिकल मॉलिकल होते हैं और फोर्स कौन होता है फिजिकल बॉन्ड होता है ये हमने पढ़ा है और जब भी हम मेटर को हीट करते हैं तो उसका फिजिकल बॉन्ड जो होता है पहले वीक होता है जब फिजिकल बॉन्ड वीक होगा तो स्टेट तब्दील होएगी वो स्टेट जिसमें पार्टिकल फिजिकल बांध के साथ टाइटली पैक होते हैं उस स्टेट को हम सॉलिड बोलते हैं और जिसमें लूजली पैक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं लिक्विड और जिसके बीच में मालिकल के बीच में फोर्स लगता ही नहीं उसको हम क्या बोलते हैं गैसेज स्टेट बोलते हैं अगर हम मीटर को हीट करेंगे तो हीट करने से फिजिकल फोर्स वीक होगा यानी स्टेट तब्दील होएगी सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा लिक्विड में लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा गैस में ये एक चेंज आती है उसके अलावा जब हम गैस केस तक मीटर आ जाएगा अगर उसको ओवर हीट करेंगे तो उसका केमिकल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा आइटम भी तब्दील हो जाएंगे स्ट्रक्चर और कंपोजिशन भी क्या हो जाएगी तब्दील हो जाएगी तो इसके बेसिस पे हमने पढ़ा था कि मेटर के अंदर दो चीज़ तब्दीलियाँ आती हैं चेंजेस आती हैं ऐसी चेंज जिस चेंज मेटर की कंपोजिशन स्ट्रक्चर तब्दील हो केमिकल बांड और एटम के तब्दील होने से ऐसी चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते, बोलते हैं और जो उस प्रोसेस में आती है उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं और ऐसी चेंज जिस चेंज में मेटर की स्टेट तब्दील हो फिजिकल बांड के वीक होने से यानी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो लिक्विड में लिक्विड किसम कन्वर्ट हो गैस में इस चेंज को हम क्या बोलते हैं फिजिकल चेंज बोलते हैं ठीक है तो ये दो चेंजेस मेटर के अंदर आती हैं जिसमें कंपोजिशन या स्ट्रक्चर तब्दील होती है वो केमिकल चेंज कहलाएगी के और जिसमें स्टेट तब्दील होगी उसको हम क्या बोलेंगे फिजिकल चेंज बोलेंगे इस चेंजेस के बेसिस पे चेंजेस किसमें आ रही हैं मेटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं चीजें हैं और उसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं इसके बेसिस पे हमने मेटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ मेटर बोलते हैं ऐसा पार्ट मेटर का ऐसी डिवीजन ऐसी ऐसी डिवीजन जिसमें हम मेटर के अंदर पढ़ें क्या पढ़ें मेटर की स्टेट पढ़ें कौन सी स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस पढ़ें सॉलिड की कन्वर्शन लिक्विड में पढ़ें लिक्विड की कन्वर्शन गैस में बढ़ें फिजिकल पान के तब्दील होने से यानी फिजिकल चेंजेस को पढ़ें और प्रोसेस पढ़ें लाइक सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेल्टिंग लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में प्रोसेस को क्या बोलते हैं बॉयलिंग और गैस जो होती है कन्वर्ट होती है लिक्विड में प्रोसेस को क्या बोलते हैं कंडेंसेशन लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है सॉलिड में उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं तो ऐसा पार्ट मेटल की क्लासिफिकेशन का जिसमें हम स्टडी करें मेटर की स्टेट उसमें उसमें चेंजेस फिजिकल फोर्स के तब्दील होने की वजह से और उस उस चेंजेस उस के जो प्रोसेस हैं और प्रॉपर्टीज हैं उसकी स्टडी करें ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर को हम क्या बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर बोलते हैं ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें मेटर की स्टेट के बारे में पढ़ें मेटर की स्टेट में जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके बारे में पढ़ें प्रोसेस को स्टडी करें ऐसी को ऑफ मेटर को हम क्या बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर बोलते हैं उसके अलावा ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम स्टडी करें कि मेटर के कंपोजिशन क्या है यानी मेटर को कंपोज कौन करता है और कौन से फोर्सेस उसको कंपोज करते हैं और उसके अंदर तब्दीली आने से कौन सी चेंजेस आती हैं यानी केमिकल चेंज पढ़ें और मेटर कंबाइन होकर दूसरा मेटर कौन सा बनाता है इसको पढ़ें ऐसी क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर बोलते हैं तो मेटर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे के ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ करेक्टरिस्टिक्सर कौन सी कंपोजिशन स्ट्रक्चर और स्टेट और चेंजेस इस कैरेक्टरिस्टिक्स और चेंजेस के बेसिस पे मेटर की दो क्लासिफिकेशन है एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन में मेटर की क्या स्टडी करेंगे स्टेट स्टेट कौन सी सॉलिड लिक्विड और गैस और उसके અંદર તબદિલીયા આને વાલે જો પ્રોસેસ હે اسકો સ્ટડી કરે સી ક્લાસિફિકેશન ઓફ મેટર કો હમ ક્યાં બોલતે હે ફિઝિકલ ક્લાસિફિકેશન ઓફ મેટર બોલતે હે ઓર એસી ક્લાસિફિકેશન જિસમે હમ સ્ટડી કરે કે મેટર કે અંદર કમ્પોઝિશન દને વાલા પાર્ટિકલ કонસા હે ફોર્સિસ કૌંસે લગતે હે ઓર ચેન્जेस કોંન કો સી આતી હે કૈસે મેટર કમ્બાઈન હોકે દુસરા મેટર બનાતા હે એસી ક્લાસિફિકેશન ઓફ મેટર કો હમ ક્યાં બોલતે હે કેમિકલ ક્લાસિફિકેશન ઓફ મેટર બોલતે હે તો પહેલે હમ केमिकल क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू लेते हैं कि ये क्या है उसके अंदर कौन कौन से मेटर हम स्टडी करते हैं और इसको हम आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे बाद हम बाद में हम हमारी स्पेशल टॉपिक स्टडी करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे उसकी स्टेट्स को बाद में हम केमिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे हाल ही अभी हम ओवरव्यू लेते हैं इसका कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम स्टडी करेंगे मेटर कि कंपोज करने वाले पार्टिकल्स कौन हैं कैसे हैं और उसके अलावा फोर्सेस कौन से इन्वॉल्व है चेंजेस कौन सी आती हैं कैसे मेटर कंपाइन होकर दूसरा मेटर बनाता है ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर को हम क्या बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर बोलते हैं तो इसके बेसिस पे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर के बेसिस पे मेटर दो किस्म के होते हैं ऐसा मेटर जिसको कंपोज करने वाले पार्टिकल जो एटम हैं वो एक जैसे हों अगर एक जैसे नहीं हैं उसके बीच में जो रेशो हो वो फिक्स हो ऐसे मेटर को हम क्या बोलते हैं प्योर मेटर बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्या है मेटर है कॉपर एक वायर होती है ये क्या है मेटर है पर ऐसा मेटर है जिसमें सारे आइटम किसके होते हैं कॉपर के होते हैं ठीक है ये कापर जो होता है बेसिकली कौन सा मीटर होता है प्योर मीटर उसके अलावा ये भी एक मीटर है वाटर जिसके जिसमें एटम जो हैं डिफरेंट हैं ये साल्ट है इसमें एटम डिफरेंट है पर इसका रेशो क्या है फिक्स है ऐसा मीटर जिसके अंदर पार्टिकल जो है एटम हो वो सिमिलर हो अगर डिसिमिलर हो तो उसके बीच में रेशो फिक्स हो ऐसे मेटर को हम क्या बोलते हैं प्योर मेटर बोलते हैं ठीक है थीके? और इस दो मीटर जब कंबाइन होके तीसरा मीटर बनाते हैं ऐसे मेटर को हम इम प्योर मेटर यहाँ क्या बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन तीसरा मीटर के बेसिस पे मीटर दो किस्म का होता है एक प्योर मीटर होता है और दूसरा जिसको हम क्या बोलते हैं मिक्सचर प्योर क्या होता है ऐसा मीटर जिसके अंदर पार्टिकल जो एटम हो या वो यहाँ तो एक जैसे हो अगर डिफरेंट हो तो उसके बीच में रेशियो फिक्स हो ऐसे मीटर को हम क्या बोलते हैं प्योर मीटर और जब प्योर मेटर दो मीटर कंबाइन होकर तीसरा मीटर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं प्योर मीटर या मिक्सचर बोलते हैं जैसा कि मेटर प्योर मेटर के अंदर यहाँ तो एटम सेम होंगे या तो एटम डिफरेंट होने पर रेशो फिक्स होगा इसके बेसिस पे प्योर मेटर के दो किस्म होते हैं ऐसा प्योर मेटर जिसके अंदर जो एटम है वो एक जैसे हों सिमिलर हों ऐसे प्योर मेटर को हम क्या बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं और ऐसा प्योर मेटर जिसके अंदर जो एटम हो वो डिफरेंट हो पर उसके बीच में जो रेशो है वो फिक्स हो ऐसे मेटर को हम क्या बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं तो एलिमेंट क्या है प्योर मेटर है कंपाउंड भी क्या है प्योर मेटर है एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क है कि है, जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर जो एटम होते हैं वो सिमिलर होते हैं कंपाउंड के अंदर जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं पर इसका रेशो क्या होता है फिक्स होता है इस एलिमेंट और कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं प्योर मेटर बोलते हैं इसको आगे चल के हम डिटेल में स्टडी कर करेंगे उसके बाद में दूसरा मेटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं इनप्योर मेटर ऐसा मेटर जिसमें दो मेटर कंबाइन हो फॉर एग्जाम्पल ये एक मेटर है वाटर जो किसका कंपोज हुआ है water. एस टू ओ का जो एस टू ओ क्या है एक कंपाउंड है एस टू ओ एक कंपाउंड है जो जो कंपाइंड किसको बनाता है वाटर को और उसके अलावा एक दूसरा मेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं एन ए सी एल साल्ट बोलते हैं जिसको कंपोज करने वाला कंपाउंड कौन होता है साल्ट एन ए सी एल तो हम वाटर के अंदर ये साल्ट मिक्स करते हैं तो वाटर जो होता है बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है साल्ट जो होता है स्मॉल क्वांटिटी में होता है इनको जब हम मिक्स करते हैं तो हमें साल्टी वाटर आप होता है तो इसमें हम साल्टी वाटर को ऑप्टेन करने के लिए हम को कितने मीटर मिक्स कर रहे हैं दो मीटर एक लार्ज क्वांटिटी वाला और स्मॉल क्वांटिटी वाला इसमें लार्ज क्वांटिटी वाला कौन है वाटर स्मॉल क्वांटिटी वाला का कौन है एनएसएल जब इन दोनों मीटर को हम कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है साल्टी वाटर मिलता है तो ऐसा मेटर जो दो मीटर की कॉम्बिनेशन से कंपोज हो कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर हो ऐसे मेटर को हम क्या बोलते हैं एम्प्योर मीटर या क्या बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं तो मेटर या मिक्सचर में दो मेटर कंबाइन होकर एक नया मेटर बनाएंगे ठीक है इसमें एक मेटर होगा वो जो लार्ज क्वांटिटी में होगा ऐसा मेटर जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उस मेटर को हम क्या बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं और ऐसा मेटर जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं तो सॉल्यूट एनएसएल सॉल्वेंट वाटर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो मेटर है कंबाइन होकर एक नया मेटर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं प्योर मेटर या मिक्सर बोलते हैं उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जो एटम होते हैं वो भी कंबाइन होकर क्या बनाते हैं यानी एलिमेंट जो होते हैं इसमें क्या है सॉल्वेंट वाटर है साल्ट साल्ट के एनील एन और वाटर कौन से प्योर मेटर हैं कंपाउंड है उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हम जो होते हैं जब भी हम क्या करते हैं आयरन के साथ ये कार्बन ये आयरन और कार्बन जो होते हैं आयरन भी ये क्या होता है ऐसा मेटर होता है जिसके अंदर जो भी एटम होते हैं वो आयरन के होते हैं कार्बन भी जो कोल होता है उसके अंदर भी एटम किसके होते हैं कार्बन के होते हैं इन दोनों मेटर को हमने क्या किया कंबाइन किया फिजिकल फोर्सेस के साथ तो एक हमें नया मेटर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टील बोलते हैं तो स्टील बेसिकली क्या होता है एक मिक्सचर होता है एक एम्प्योर मीटर होता है क्यों क्योंकि ये दो एलिमेंट के कंबाइन होने से प्रिपेयर होता है तो एम्प्योर मेटर ऐसा मीटर होता है जो किसकी कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर होता है एम प्योर मीटर की कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर होता है इसमें प्योर मीटर या तो कंपाउंड हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं एलिमेंट हो सकते हैं डिफरेंस क्या है इसमें प्योर मीटर जो होंगे लार्ज क्वांटिटी में होगा एक स्मॉल क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटी वाले को हम क्या बोलेंगे सॉल्वेंट और स्मॉल क्वांटिटी वाले को हम क्या बोलेंगे सॉलिड बोलेंगे तो ये दो मीटर प्योर मेटर या तो कंपाउंड होंगे या तो एलिमेंट होंगे जब कंबाइन होंगे तो कंबाइन होकर एक इम्प्योर मेटर बनाते हैं एक मेटर बनाते हैं जिसको हम इम्प्योर मीटर यहाँ क्या बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं ठीक है तो इस क्लासिफिकेशन को हम और डिटेल में स्टडी करेंगे फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल क्लासिफिकेशन में मेटर किसने किस्म के होते हैं प्योर मेटर क्या होता है एम्प्योर मेटर क्या होता है प्योर मेटर में एलिमेंट क्या होता है कंपाउंड क्या होता है एम्प्योर मीटर क्या होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है इसको हम डिटेल में आगे चल के स्टडी करेंगे ठीक है इस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बोलते हैं उसके अलावा एक दूसरी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें मैटर की स्टेट के बारे में पढ़ते हैं हमने पढ़ा कि जब भी पार्टिकल जो होते हैं फिजिकल बांध के जरिए फॉर एग्जाम्पल ये एक मैटर है वाटर ये क्या है वॉल्यू यह क्या है इसमें एटम कंबाइन हो गए क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल ये क्या है एक ऑक्सीजन और ये दोनों क्या है हाइड्रोजन ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं किसके जरिए इससे केमिकल केमिकल के जरिए जब केमिकल बांड के जरिए कंबाइन तो एक क्या बनेगा मॉलिक्यूल बनेगा ठीक है ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो फिजिकल बांड के जरिए आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन हो क्या बनाएंगे एक मेटर को बनाएंगे ठीक है और ये किस तरह अरेंज होते हैं फिजिकल बांध के जरिए मॉलिक्यूल एटम के केमिकल जरिए मालिक्यूल कंपाइनों के मेटर को बनेगा फिजिकल बांड के जरिए तो ये मालिक्यूल फिजिकल बांड के जरिए कैसे आपस में अरेंज होकर मेटर को बनाते हैं इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं स्टेट बोलते हैं वो वो कंडीशन ऐसी कंडीशन जिसमें मालिक्यूल

लगे ही नहीं मालिक एक दूसरे से बहुत दूर ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं गैसेस स्टेट बोलते हैं तो ऐसी स्टेट में पार्टिकल पैक होते हैं फिजिकल फोर्स बहुत ज्यादा होता है इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं सॉलिड स्टेट ज्यादा टाइटली पैक होंगे तो उसके पास पार्टिकुलर शेप भी होगा और थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट यानी वॉल्यूम भी होगा तो ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से टाइटली टाइल होकर अरेंज हो जिसके पास स्टेट शेप भी हो और वॉल्यूम हो ऐसी स्टेट स्टेटामी को हम क्या बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं और ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल के बीच में स्पेस हो यानी पार्टिकल अपने बीच मालिको हो टाइल नहीं हो फिजिकल बांध थोड़ा वीक हो पर एक जरूर लगे लगे जरूर ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं जैसा कि इसमें पार्टिकल टाइटली पैक नहीं होते इसलिए इसके पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती और जैसा कि इसमें पार्टिकल के बीच में फिजिकल एक्ट हो रहा है

वॉल्यूम होगा इस्टेटमीटर को हम क्या बोलते हैं स्टेट बोलते हैं तो ये स्टेट क्या है कंडीशन है कौन सी कंडीशन है कि पार्टिकल फिजिकल बांध के, के जरिए कैसे अरेंज होते हैं अगर टायरली पैक होकर अरेंज होंगे डेफिनेट शेप और वॉल्यूम देंगे इस स्टेट को क्या बोलेंगे सॉलिड अगर लूजली पैक होकर अरेन्ज होंगे फिजिकल बांध थोड़ा वीक होगा सॉलिड से और उसके पास शेप नहीं होगी पर वॉल्यूम होगा इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे लिक्विड और ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल के बीच में लगेगा ही फोर्स नहीं शेप नहीं होगी वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं गैस बोलते हैं किसी किस चीज की वजह से यह सॉलिड और गैस होते हैं ये फिजिकल फोर्स की वजह से हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं या तो सॉलिड होते हैं या हाँ हो तो लिक्विड यहाँ तो गैस अगर हाई होगा फिजिकल फोर्स तो स्टेट कौन सी होगी सॉलिड अगर वीक होगा तो क्या होगा लिक्विड अगर होगा ही नहीं तो किस कौन सी स्टेट होगी गैस स्टेट होगी तो ये तीन स्टेट होती हैं और ये तीनों स्टेट एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं किसके डिफरेंस होने की वजह से फिजिकल बोन से के वीक होने की वजह से या स्ट्रांग होने की वजह से ये तीन स्टेट मेटर की होती हैं सॉलिड लिक्विड और गैस अगर हम मेटर को हीट करेंगे हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि जब हीट करेंगे तो कौन कौन सा मालिक्यूल के बीच में कोलिन इंक्रीज होगी मालिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे फिजिकल बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में अगर हम और इसको हीट करेंगे तो फिजिकल टू जीरो हो जाएगा मालिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा गैस में ठीक है तो ये स्टेट सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुई लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ गैस में अगर उसको हमने हीट दी अगर हीट हम निकालेंगे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस किसमें कन्वर्ट होगी लिक्विड में और लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगी सॉलिड में तो इस स्टेट की चेंजेस वाली ऐसी चेंजेस में मेटर की स्टेट तब्दील हो फिजिकल बॉन्ड के तब्दील होने से और फिजिकल बॉन्ड तब्दील हो हीट एनर्जी के आने जाने से ऐसी चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं जैसा कि इसमें एक स्टेट दूसरी स्टेट में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है यानी कन्वर्शन हो सकती है इसलिए ये फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज होती है और ये हीट एनर्जी के आने जाने से आ, आ आती है अगर आएगी तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा लिक्विड में अगर जाएगी तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा सॉलिड में कन्वर्ट होगा इसलिए हम फिजिकल चेन को क्या बोल थर्मल चेन बोलते हैं अगर हीट देंगे तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा लिक्विड में प्रोसेस को मेल्टिंग बोलेंगे और लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में प्रोसेस को क्या बोलेंगे बॉयलिंग गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ हीट को निकालने के साथ प्रोसेस को क्या बोलेंगे कंडेंसेशन और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी को डिक्रीज करने से प्रेशर को इंक्रीज करने से प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे

पहले हम स्टडी करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की स्टेट और वो कौन सी स्टेट स्टडी करते हैं गैसेस स्टेट स्टडी करते हैं तो हमने पढ़ा कि ये जो गैस होती है एक ऐसी स्टेट होती है स्टेट को फॉर्म करने वाले क्या होते हैं पार्टिकल वो कौन होते हैं मालिक्यूल तो ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल यानी मालिक्यूल के बीच में लगने वाला फिजिकल बांड या इंटर मालिक्यूल फोर्स अप्रोच तो जीरो जीरो होने की वजह से पार्टिकल क्या हो एक दूसरे से लार्जली सेपरेट होंगे अगर सेपरेट होंगे तो उसके पास यहाँ ना डेफिनेट शेप होगी ना ही डेफिनेट वॉल्यूम ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल मालिकुल एक दूसरे से सेपरेट हों फिजिकल बाड जीरो हो और उसके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम ना हो ऐसी स्टेट ऑफ मेटर को हम क्या बोलते हैं गैसेज स्टेट ऑफ मेटर बोलते हैं ठीक है स्टेट को हम गैसीय स्टेट ऑफ मीटर बोलते हैं हालांकि ना तो कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वो उसको वे क्या कर देती हैं ऑक्यूपाई कर देती हैं तो ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल के बीच में मालिक्यूल के बीच में एंटोमाग्लोफोर जीरो हो मालिक्यूल वायरली सेपरेट हो उसके पास डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम नहीं हो और वो कंटेनर का वॉल्यूम उपाय कर सके ऐसे स्टेटर को हम क्या बोलते हैं गैसेस स्टेट बोलते हैं जैसा कि इसमें पार्टिकल जो होते हैं ना एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ड्यू टू जीरो ड्यू टू इंटरमारिकुलर फोर्स इज टू जीरो फोर्स जो जीरो है इसकी वजह से मालिकल क्या होते हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं अगर इसको हम कंटेनर में देखेंगे ये कंटेनर है जिसमें मैंने किसको रखा है गैस को रखता है रखा है और इस इसको रखा है इसके पास डेफिनेट शेप भी नहीं है डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है क्यों इसके पास इंटरम फोर्स क्या है जीरो इसलिए इस स्टेट को क्या बोलते हैं गैस स्टेट और जब रखा है इसके अंदर तो ये किसकी वॉल्यूम इसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं कंटेनर को तो ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल के बीच में फिजिकल बांट जीरो हो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं हो पर कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे? इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं गैस स्टेट और फोर्स जीरो होने की वजह से पार्टिकल क्या होते हैं कंटेनर के अंदर वाइल्डली सेपरेट होते हैं पर जब हम इसका क्या इंक्रीज करते हैं प्रेशर इंक्रीज करते हैं एक्सटर्नली तो ये मालिकुल जो होते हैं प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं वॉल्यूम जो होता है बेसिकली वो डिक्रीज हो जाता है ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम एक्सटर्नल प्रेशर गैसेस के ऊपर अप्लाई करें वॉल्यूम जो होता है उसका डिक्रीज हो जाए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कंप्रेशन बोलते हैं और वो प्रॉपर्टी स्टेट की जो कंप्रेशन दिखाए इस प्रॉपर्टी को हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं तो गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टी कौन सी होती है कंप्रेसिबिलिटी यानी वो क्या शो करती है कंप्रेशन कब कंप्रेशन शो करती है जब क्या हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर को इंक्रीज करते हैं जब भी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या शो करेगी कंप्रेशन शो करेगी यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा इस प्रोसेस को कंप्रेशन बोलते हैं और गैसेस की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं उसके अलावा जब भी हम गैसेस को क्या देंगे हीट एनर्जी यानी टेम्परेचर देंगे तो पार्टिकल के बीच में कोलिंग ज़्यादा होगी वो एक दूसरे से और ज़्यादा दूर हो जाएंगे और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एक्सपेंशन बोलते हैं और वो प्रॉपर्टी स्टेट की जो एक्सपेंशन छोकर इस प्रॉपर्टी को हम एक्सपानसिबिलिटी बोलते हैं तो गैसेस जो होते हैं एक्सपेंशन यानी एक, गैसेस पर एक्सपांसिबिलिटी होती है यानी क्या शो करते हैं एक्सपेंशन कब एक्सपेंशन शो करते हैं जब उसका टेम्परेचर क्या करते हैं हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या शो करेंगे कंप्रेशन

तो प्रेशर अप्लाई करने से उसका वॉल्यूम क्या होता है जीरो वॉल्यूम डिक्रीज होता है जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज तो इस ला को हम क्या बोलते हैं वॉयस ला बोलते हैं जो हम किस में स्टडी करते हैं जो कौन सी प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ते हैं हम कंप्रेशन को अंडरस्टैंड करने से के लिए पढ़ते हैं कि गिवन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रेशर इस लॉ को बाला बोलते हैं और जो प्रॉपर्टी इसके बेसिस पे हम स्टेट करते हैं वो क्या होती है कंप्रेशन होती है उसके अलावा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा प्रोसेस को क्या बोलेंगे एक्सपेंशन प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे एक्सपॉन्सिबिलिटी और एक औला है जिसपेस हम एक्सपेंशन या कंप्रेशन यानी एक्सपेंशन को स्टडी करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे इस ला को हम क्या बोलते हैं चासला बोलते हैं चासला बोलता है कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होता है इंक्रीज होता है टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है यानी थोड़ी बहुत तो 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 कंप्रेशन भी होती है इस ला को हम क्या बोलते हैं चासला बोलते हैं तो बॉयस ला के बेसिस पे हम ज़्यादातर क्या स्टडी करते हैं कंप्रेशन को और उसके अलावा जब चास ला के बेसिस पे हम क्या स्टडी करते हैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन भी स्टडी करते हैं ठीक है ये दोला हम पढ़ते हैं कौन से प्रोसेस को समझने के लिए कंप्रेशन और एक्सपेंशन को कौन से प्रॉपर्टी को समझने के लिए कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपॉन्सिबिलिटी जो किसकी है गैस स्टेट की और ये लास्ट भी किसके हैं गैसे स्टेट के हैं उसके अलावा जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे जरा मालिक्यूल की जी कोलियन जो होती है वो इंक्रीज होगी मोशन बहुत ज्यादा होगा जैसा कि मालिक्यूल कोलियन करेंगे मोशन बहुत ज्यादा होगा तो मालिक्यूल जब पार्ट एक दूसरे टकरेंगे मोशन बहुत ज्यादा होगा तो मालिक्यूल के पास मोशन के जब मोशन करता है तो उसके पास करेक्टरिस्टिक होती है विलासिटी जब भी विलासिटी होगी तो उसके पास क्या पैदा होगी एक एनर्जी जिसको हम क्या बोलते हैं कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं तो जब हम एक गैस को हाईली कंप्रेस करते हैं प्रेशर अप्लाई करके तो उसके बीच में मालिक्यूल के बीच में कोलियन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है जिससे क्या इंक्रीज होती है स्पीड यानी विलासिटी जिसके से क्या इंक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है अगर जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मालिक्यूल जो होंगे बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे अगर हम इस, इसको कोई भी स्पेस हम उनको देंगे लाइक like ये एक लार्ज स्पेस है जब भी फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में सडनली एक क्या होगा एक बड़ा होल हो गया लाइक like एक टायर है उस टायर के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गैस हाई प्रेशर पे स्टोर हुई होती है अगर उस टायर के साथ पत्थर टकरा जाता है तो टायर के अंदर बहुत बड़ा होल हो जाता है अगर बहुत बड़ा होल हो जाएगा तो क्या होगा ये गैसेस बहुत हाई हाई प्रेशर पे हैं काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है कोलन बहुत ज्यादा है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए ये हाई प्रेशर वाले मीडियम से कहाँ जाएंगी लो प्रेशर वाले मीडियम यानी एयर में चली जाएंगी ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में गैस मालिक्यूल कंटेनर से निकलकर हाईली प्रेस्ड कंटेनर से निकलकर एयर्स में चली जाए एयर से मिक्स हो जाए क्यों काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिफ्यूजन तब होगा जब क्या हो ये होल बहुत ज्यादा हो जब होल बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगी डिफ्यूजन होगी और डिफ्यूजन जब होती है तो इसमें गैसेस जो होते हैं

अगर हम इसको स्मॉल होल के साथ गुजारेंगे तो क्या होगा कि ये मालिक्यूल एक दूसरे से टकरा टकरा कर एक दूसरे से टकरा टकरा कर एक डायरेक्शन में क्या होंगे बाहर निकलेंगे तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में गैसेस जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया जाएं यानी हाई प्रेशर वाले कंटेनर से एयर्स में जाके मिक्स हों पर लीनियर फॉर्म में एक हो से होल से निकल कर जाकर मिक्स हो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इफ्यूजन बोलते हैं तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों में क्या होती है गैस हाई प्रेशर कंप्रेस्ड कंटेनर से निकल कर से मिक्स होती है डिफरेंस कौन, कौन सा होता है कि इसमें डिफ्यूजन में बहुत लार्ज होल होता है और मालिक्यूल मल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं और इफ्यूजन में मालिक्यूल होल से होता है लीनियर फॉर्म में क्या हो करते हैं मूव करते हैं तो ये क्या इफ्यूजन ये क्या है डिफ्यूजन है अगर हम देखें कि डिफ्यूजन जो होता है उसमें मालिक्यूल बहुत ज्यादा क्वान्टिटी में जाते हैं इसलिए डिफ्यूजन बहुत फास्ट प्रोसेस होता है और इफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस होता है फॉर एग्जाम्पल एक टायर है जिसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज हाई प्रेशर पर खड़ी हुई है हाई प्रेशर पर डाली हुई है उस टायर के अंदर अगर हम उसके अंदर थोड़ी भी पिन पिन करेंगे उसके अंदर थोड़ा शेद करेंगे होल करेंगे तो क्या होगा इफ्यूजन होगा जब टायर मूव करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता गैस में मालिक क्या करेंगे मूव करेंगे ठीक है पर अगर हम उसके अंदर बहुत लार्ज होल करेंगे तो एक एक झटके एक से यूज की सारी क्या कर सारी क्या कर जाएगी निकल जाएगी तो इसलिए जो डिफ्यूजन होता है वो फास्ट प्रोसेस होता है वो रिफ्यूजन क्या होता है स्लो प्रोसेस डिफ्यूजन के लिए होल क्या हो स्मॉल हो लीनियर फॉर्म में मूव करने चाहिए डिफ्यूजन के लिए होल लार्ज और मालिक्यूल मल्टी डायरेक्शन में क्या करने चाहिए मूव करने चाहिए इन दोनों प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन और रिफ्यूजन ये किसकी प्रॉपर्टी होती है गैसेस की इस प्रॉपर्टी को डिफ्यूजिबिलिटी या एफ्यूजिबिलिटी बोलते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी एक्सपानसिबिलिटी डिफ्यूजिबिलिटी और रफ्यूजिबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है गैसेस स्टेट की डिफ्यूजिबिलिटी और एक्सफ्यूजिबिलिटी डिफ्यूजन और एक्सपेंशन ये कब इफ्यूजन इफ्यूजन कब शो करेंगी जब गैसेस पे क्या हो कंप्रेशन हो जब गैस हाईली कंप्रेस्ड हो तब ये क्या क्या शो करेंगी डिफ्यूजन या इफ्यूजन शो करेंगे अब अगर हम देखें कि अगर जैसे कि हम मालिक्यूल का मालिक्यूल मास अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो ज़रा मालिकुल मास्क इंक्रीज कर, करते जाएंगे तो उसको मूव करना कराने के लिए फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगेगा ज़रा मालिकुल मूव करते हैं एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर अप्लाई करके इस कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं डिफ्यूजन और रिफ्यूजन में अगर हम मास्क को इंक्रीज करेंगे तो थोड़े फोर्स से मालिकुल आसानी से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा यानी अगर डेंसिटी को अगर डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर वॉल्यूम फिक्स है मास को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसको मूव कराने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा इसलिए इसकी स्पीड या जिसको हम रेट बोलते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ला आया डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने के लिए एक ला आया उस ला को हम ग्राम्स ला ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं जो बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मोलर मास यानी जिस केस की डेंसिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर वॉल्यूम फिक्स से अगर मास को इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा मास को इंक्रीज करने के साथ क्या होगा ये इसकी डिफ्यूजन और इफ्यूजन डिक्रीज होएगी यानी स्पीड क्या होगी निकलने की डिक्रीज होगी इस ला को हम क्या बोलते हैं ग्राम्स ला डिफ्यूजन बोलते हैं जो आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे ठीक है तो ये एक्सपेंशन के लिए कौन सा ला कंप्रेशन के लिए सॉरी स्टडी करते हैं डिफ्यून और कौन सा ला इस्तेमाल करते हैं डिफ्यूजन और एफ्यूजन किस पे डिपेंड होती है कंप्रेशन पे और कंप्रेशन किस पे डिपेंड होती है प्रेशर पे और एक्सपेंशन के लिए कौन सी चीज रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है ठीक है ये चार क्वांटिटीज किसकी होती है चार करेक्टरिस्टिक्स एस गैसेस की होती हैं उसके अलावा जब हमने देखा कि ये जो गैसेस होते हैं एक दूसरे से कोलाइट करते हैं इंटरमाग्लोफोर जीरो होता है एक दूसरे सेपरेट होने हैं कोलाइट करते हैं तो उसके अंदर स्पीड पैदा होती है मालिक्यूल के अंदर यानी मालिक्यूल के ऑलवेज किस में होते हैं मोशन में होते हैं इसका डायरेक्शन मोशन का फिक्स नहीं होता ऐसा मोशन जिसमें मालिक्यूल का डायरेक्शन फिक्स नहीं हो उसको हम रेंडम मोशन बोलते हैं तो गैसेस जो होते हैं इंटरमाग्लोफोर जीरो होने की वजह से उस वो ऑलवेज किस में होते हैं रेंडम मोशन में होते हैं ठीक है रेंडम मोशन में होते हैं यानी उसके पास क्या होती है स्पीड और हमने अभी पढ़ा कि जब भी किसी क्वांटिटी के पास स्पीड होती है जब भी किसी क्वांटिटी के पास मास होता है और उसके पास स्पीड होती है उसके पास करेक्टरिस्टिक होती है जो हमें उसकी मोशन की क्वांटिटी बताती है उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं तो ये गैसेज के पार्टिकल ऑलवेज किस में होते हैं मोशन में मोशन की वजह से उसके में पास में क्या होती है वेलोसिटी और विसिटी के पास के विलासिटी के होने की वजह से क्या होता है उसके अंदर मोमेंटम होता है यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है जब ये पार्टिकल मूव करके आएंगे मूव करके आके इस कंटेनर की वाल से टकराएंगे तो जरा इसका मोमेंटम तब्दील होगा और मोमेंटम तब्दील होगा किसके तब्दील होने से मास मास्को तो फिक्स है किसके तब्दील होने से तब्दील होगा विलासिटी के तब्दील होने से तो जब विलासिटी तब्दील होगी कब तब्दील होगी जब पार्टिकल इस वाल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे तो इस विलासिटी का विलासिटी कौन तब्दील होगा मोमेंटम और इसमें थोड़ा बहुत टाइम भी लगेगा तो जब भी मोमेंटम तब्दील होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये पार्टिकल इस कंटेनर की वाह के प्रेशर ए, 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 एक क्वान्टिटी अप्लाई करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं फोर्स अप्लाई बोलते हैं तो ये पार्टिकल होते हैं ऑलवेज मोशन में होते हैं ड्यू टू जीरो फोर्स मोशन होने की वजह से ये इसके पास क्या होती है विलासिटी और विलासिटी बेसिस पास क्या होता है मोमेंटम और मोमेंटम जब भी पार्टिकल वेलोसिटी के साथ जिसके पास मोमेंटम होता है वो आकर इस कंटेनर की वाल से टकराता है तो उसका मोमेंटम तब्दील होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ये वाल पर आके क्या अप्लाई करता है फोर्स अप्लाई करता है तो गैसेस के पास क्या होता है वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम और मोमेंटम की तब्दीली होने की वजह से गैसेस क्या अप्लाई कर सकती हैं फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जहरा ये फोर्स जो अप्लाई हुआ है वो इस कंटेनर की एरिया पे अप्लाई हुआ है जब भी जब भी पार्टिकल जो होते हैं एक दो एरिया पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक क्वांटिटी एक करेक्टरिस्टिक पैदा होती है फोर्स की जिसको हम क्या बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं तो ये गैसेस जो होती हैं बेसिकली जब भी वाल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराती हैं तो उसके साथ क्या पैदा होता है प्रेशर पैदा होता है और वाल्स ऑफ टनर कंटेनर से टकराने के लिए क्या अप्लाई करती हैं फोर्स और एरिया पे अप्लाई करते हैं यानी फोर्स जब एरिया पे अप्लाई होता है तो क्या पैदा होता है प्रेशर तो गैसेस के पास कौन सी क्वांटिटी होती है प्रेशर होती है और प्रेशर किसकी वजह से होता है फोर्स की वजह से और ये फोर्स किसकी वजह से होता है मोमेंटम में तब्दील होने से और मोमेंटम किसके लिए तब्दील होता है विलासिटी के जरिए और वेलोसिटी क्यों होती है मोशन के वजह से तो इस ये मोशन ही काज होता है मालिक्यूल के अंदर मोमेंटम का फोर्स का और किसका प्रेशर का अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये मालिक्यूल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो ये प्रेशर पैदा होता है अब ये प्रेशर किसके साथ इंक्रीज होगा जब भी मालिक्यूल का नंबर हम इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा प्रेशर भी क्या होगा इंक्रीज होगा और ये मालिक्यूल जो एक मालिक्यूल इसके साथ प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस पार इस प्रेशर को हम पार्शल प्रेशर बोलते हैं तो जब भी हम नंबर ऑफ मालिक्यूल को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मालिक्यूल को इंक्रीज करने के साथ इस ये जो तो पार्शल प्रेशर है पार्टिकल का वो भी क्या होगा यानी प्रेशर इंक्रीज होगा इस कॉन्सेप्ट को इस ला को हम डाल्ट लाव पार्शल प्रेशर बोलते हैं तो इस डाल्टन लाव पार्शल प्रेशर के बेसिस पे हम गैसेस की कौन सी क्वांटिटी स्टडी करेंगे प्रेशर स्टडी करेंगे और जिसमें हम स्टडी करेंगे कि ये प्रेशर क्यों अप्लाई करते हैं क्योंकि उसके पास मोमेंटम तब्दील होता है यानी फोर्स अप्लाई होता है और मोमेंटम आता है वेलोसिटी के जरिए और वेलोसिटी किसके जरिए आती है मोशन के जरिए तो ये प्रेशर कितना होता है इसको पढ़ेंगे किस लाभ में ग्राम्स लाभ किसके लाभ में डाल्टन लाभ पार्शल प्रेशर के लाभ में तो ये प्रेशर डाल्टन के लाभ पार्शल प्रेशर के बेसिस पे स्टडी करेंगे ये प्रेशर एफ्यूजन डिफ्यूजन एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं किसके अंदर गैसेस के अंदर उसके अलावा हमने पढ़ा कि ये जो गैसेस होती हैं वो मोशन में होती हैं मोशन की वजह से उसके पास क्या होती है विलासिटी और विलासिटी के वजह से उसके पास एनर्जी होती है जिसको हम क्या है? बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और कंटेनर में ओवरऑल मालिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी का नाम क्या होता है टेम्परेचर होता है तो गैसेस के पास टेम्परेचर भी होता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो गैसेस के पास कौन गैस क्या होती है स्टेज पार्टिकल बीच में फोर्स जीरो हो वो वॉल्यूम नहीं हो कंटेनर का वॉल्यूम ओके करे वो कंप्रेशन दिखाए एक्सपेंशन दिखाए डिफ्यूजन दिखाए फ्यूजन दिखाए उसके पास प्रेशर हो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर हो ऐसे स्टेट स्टेट ऑफ मेटर को हम क्या बोलते हैं गैसेस स्टेट और वो थ्योरी जिसके अंदर हम स्टडी करें कि गैसेस के पास प्रेशर क्यों होता है काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है टेम्परेचर क्यों होता है डिफ्यूजन और रिफ्यूजन क्यों शो करते हैं विलासिटी की वजह से यानी मोशन की वजह से ऐसे थेरी को हम क्या बोलते हैं काइनेटिक मालिकुलर थे ऑफ गैसेस बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये सारी गैसेस होती हैं इसको हम आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे वो इंट्रोडक्शन था इसको आगे चल के हम लास्ट के बेसिस पे हर एक चीज को डिफाइन करेंगे और ये थ्योरी भी आगे चल के हम स्टडी करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं काइनेटिक मालिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो बताती है कि ये गैसेस के मोशन की वजह से इस गैसेस के पास क्या होता है वेलोसिटी वेलोसिटी की वजह से क्या होता है मोमेंटम मोमेंटम के वजह से क्या पैदा होता है फोर्स और फोर्स की वजह से क्या पैदा होता है प्रेशर उसके अलावा इस विलासिटी की वजह से क्या पैदा होती है कैनेटिक एनर्जी उसके अलावा क्या पैदा होता है टेम्परेचर पैदा होता है इस थेरी को हम क्या बोलते हैं कैनेटिक मालिक थरी ऑफ गैसेस बोलते हैं जो किस स्टेट में हम पढ़ते हैं गैसेस स्टेट में पढ़ते हैं थैंक यू वेरी मच